ब्रेकिंग न्यूज, सड़कों पर रूट मार्च की शुरुआत। डीजीपी के आदेश के बाद पुलिस कर रही सड़क पर पैदल मार्च। जारी आदेशों के मुताबिक जिले में रोजाना 60 मिनट तक अफसर समेत पुलिस कर्मी करे रूट मार्च। एडीजी जॉन राजीव कृष्णा और एसएसपी कलानिधि ने थाने पे पहुंचे। चार बाग नाका के नथा चौराहे पर पहुंचे पुलिस अफसर। सीएम की सख्ती के बाद सड़कों पर पैदल गश्त करने उतरे पुलिस के अफसर। लखनऊ में पैदल रूट मार्च पर पुलिस नाका के नथा चौराहे से शुरू हुआ पैदल रूट मार्च। आरिफ रिजवी की रिपोर्ट। नहीं, आपने आपको मालूम होगा कि ये एक शासन की प्राथमिकता भी है कि फुट पेट्रोलिंग लगातार की जाए, और फुट पेट्रोलिंग को कैसे प्रभावी बनाया जाए इसके बारे में हम लोगों ने विचार विमर्श किया। उसमें ये है कि सिर्फ फुट पेट्रोलिंग में एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ना जा करके जितने भी रास्ते में लोग हैं उनसे क्या उनके इश्यूज़ हैं, विशेषकर रिलेटेड टू पुलिस या विशेषकर अतिक्रमण से रिलेटेड इश्यूज, एक व्यवहारिक सोल्यूशन उसका निकाला जाए। तो ये अभियान यहाँ से शुरू किया गया है। इसमें सभी अधिकारी अलग अलग जगहों पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 घंटे में फुट पेट्रोलिंग करेंगे, और मेन बात यह है कि संवाद स्थापित करेंगे। मेन पर्पज़ संवाद का है, सिर्फ पैदल चलने का नहीं है। साथ ही साथ जो हमारे इंटरनल सिस्टम्स हैं जिसमें हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं, उनके जो इस मैंने यहाँ पर जैसे आज चल रहा हूँ तो मेरे साथ यहाँ पर जो इस हलके के बीट कांस्टेबल हैं वो भी साथ में हैं, तो उनकी बीट बुक्स वगैरह की क्या स्थिति है। जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, उन चौकी इंचार्जों के क्षेत्र की क्या जानकारी है। जो हमारे शक्ति वाहन हैं जिसमें एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह रहते हैं, उनकी क्या कार्यकलाप है। तो इन सबको इससे जोड़ दिया है, कि इसमें जितने भी 1 घंटे सवा घंटे में मैक्सिमम अपने भी स्टाफ से इंटरेक्शन हो, जो ग्राउंड लेवल पर उनके सामने चैलेंजेस हैं उसकी जानकारी हो, और साथ ही साथ सभी तबकों के लोगों से, चाहे वो पटरी दुकानदार हों, चाहे वो आपके अभी आप रास्ते पर चलते चलते कम से कम पाँच छः जो एसोसिएशन हैं उनके पदाधिकारियों से बात हो गई, कुछ दुकानदारों से खुद हमने बात की, कुछ पटरी दुकानदारों से बात की, तो एक मिजाज मालूम पड़ता है शहर का क्या मिजाज है। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक कॉन्फिडेंस भी एक बिल्डअप होता है हमारे नागरिकों में शासन के प्रति, पुलिस विभाग के प्रति। तो यही सब उद्देश्य हैं और ये जारी रहेगा रोज, क्योंकि आज शुभारंभ था तो आप सभी लोग यहाँ पर हैं। मतलब शुभारंभ इन द सेंस कि पहले भी होता रहा है, बट एक सुनियोजित ढंग से इसको जिसमें मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग इंक्लूड कर सकें उसको, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और आगे आने वाले समय में भी, दिन में भी, जैसे स्कूल के बच्चों के छूटने का टाइम है उस टाइम भी कुछ हमारे अधिकारी निकले वहाँ पर, जो हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं उनके
सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, जो वहाँ पर लड़के खड़े रहते हैं, क्यों खड़े रहते हैं, क्या उनका कारण, तो इन सब जो एक छोटे छोटे इशूज़ होते हैं, इनको इनका बेस्ट कैसे इनका सोल्यूशन निकाला जाए, कैसे एक एनफोर्समेंट की एक्टिविटी की जाए अतिक्रमण के संबंध में, तो शुरुआत ये की है। इसमें धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी विभाग हैं, नगर निगम हैं, उनके भी अधिकारी शामिल हों। रास्ते में 3-4 जगह मैंने देखा कि वो ढेर लगे हुए थे उसके रोड़ी के और बालू वगैरह के, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल इनका मेट्रो का था, उसमें जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बारे में शायद पत्राचार किया है, तो लेकिन अगर आप साथ ही में चलेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें भी साफ होती रहेंगी। तो यही सब उद्देश्य हैं इनके, और यही प्रयास है कि यही कोशिश है कि नागरिकों के साथ एक अच्छा संवाद स्थापित हो और पुलिस विभाग के प्रति लोगों को विश्वास बढ़े, पुलिस की इमेज।